हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंजलि कुकिंग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बर्गर बनाने की रेसिपी, और इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो सबसे पहले हम टिक्की की तैयारी करेंगे। तो हमने यहाँ पे 4 आलू ले लिया है, इसको हमने पहले ही बॉइल कर लिया था, और अब हम इसको फोक चम्मच से मैश कर लेंगे। और ये देखिए, हमने सारे आलू को मैश कर लिया है। तो अब हम डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ प्याज 2 मीडियम साइज के, और अब हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, और अब हम इसी के साथ में डालेंगे धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, काली मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, और अब हम इसके साथ में डालेंगे बारीक कटा हुआ हरी मिर्च 6 से 7, और अब हम डालेंगे हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, और अब हम डालेंगे इसमें सफ़ेद नमक 1 चम्मच, और इसी के साथ में हम डालेंगे काला नमक आधा छोटा चम्मच, और अब हम डालेंगे इसमें धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ, और इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। और ध्यान रहे कि हमने नमक चाट मसाले में भी यूज किया है, तो नमक हमें हिसाब से ही डालना है। और ये देखिए, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। तो अब हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये हमने 2 ब्रेड को पीस लिया है, तो इसको हमने एकदम जैसे रवा होता है ना, वैसे ही हमने पीसा है। इससे क्रिस्पी बनता है टिक्की। तो अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, और ये देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम डालेंगे इसमें मैदा, इससे बाइंडिंग बहुत ही परफेक्ट बनता है, और इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसका टिक्की बनाएंगे। तो टिक्की बनाने से पहले हम हाथों पे थोड़ा सा रिफाइन ऑयल लेंगे, और इसको हम चारों तरफ हथेली पे फैला लेंगे, और थोड़ा सा हम स्टफिंग लेंगे टिक्की बनाने के लिए, और इसको हम पहले लोई जैसा बनाएंगे, और फिर से हम इसको थोड़ा सा दबा देंगे, और दबा कर इसको हम थोड़ा सा चिपटा कर देंगे। ये देखिए, ऐसे ही करके हमें सारी टिक्की को बना लेना है। और ये देखिए, हमने टिक्की बना लिया है। तो अभी हम इसको साइड में हटा देते हैं, और हमने यहाँ पे एक पैन लिया, और उसमें हमने रिफाइन ऑयल डाल लिया है। तो ऑयल हमारा हीट हो गया है, तो अब हम इसमें एक एक करके चारों टिक्की को हम इस पे डाल देंगे, और गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। और ये देखिए, हमने चारों टिक्की को इस पे डाल दिया, तो इसको अब हम 1 मिनट तक छोड़ देते हैं कि अच्छे से नीचे से सिक जाए। और ये देखिए, 1 मिनट हो गया है। तो अब हम इसको दूसरी तरफ से अच्छे से इसको हम सेकेंगे, और गैस का फ्लेम मीडियम करके ही सेकना है। इससे क्या होगा कि हमारा जो टिक्की है थोड़ा सा क्रिस्पी होगा। और अब हम इसको 2 मिनट तक दूसरी तरफ से सेकेंगे, और ये देखिए 2 मिनट हो गया है, टिक्की हमारा अच्छे से सेक चुका है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे, तो अब हम इसको सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे टिक्की को अच्छे से फ्राई कर लिया है, देख रहे ना, बहुत ही सुनहरा कलर आया है। तो अभी हम इसको साइड में हटा देते हैं, और हमने यहाँ पे 2 बर्गर बन लिया है, तो इसको अब हम कट कर लेंगे। तो ये जो लाइन दिख रहा है ना, यहाँ से कट नहीं करेंगे, इसके थोड़े से ऊपर से कट करेंगे। ये देखिए, यहाँ से कट कर लेना है। तो ऐसे ही करके हम दोनों बर्गर बन को कट कर लेंगे, और 2 टुकड़ों में कट करेंगे, एकदम अलग अलग करना है। और ये देखिए, हमने दोनों बर्गर को अच्छे से कट कर लिया है। तो हमने यहाँ पे एक पैन लिया है, पैन हमारा हीट है। तो अब हम डालेंगे इसमें बटर, आप चाहे तो इसके जगह पे देसी घी का भी यूज कर सकते हैं, पर इसमें ऑयल का यूज बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये देखिए, बटर को हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे, और इसको हम तवे पे चारों तरफ फैला लेंगे। और अब हम डालेंगे इसमें बर्गर जो हमने कट करके रखा है, तो इसको अब हम 1 से 2 मिनट तक सेकेंगे। इसको अच्छे से सेकना है। ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, बहुत सुनहरा कलर है। ऐसे ही हम दूसरी तरफ से भी इसको सेक लेंगे, और ये देखिए, हमने दूसरी तरफ से भी इसको सेक लिया है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे, और ऐसे ही करके हमें सारे बर्गर को सेक लेना है। ये देखिए, तो ऊपर का जो इसका हिस्सा है उसको भी हम अलग हटा देते हैं। और अब हम डालेंगे इस पर मेयोनीज, ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। अगर आपके पास में नहीं है तो आप टमाटो सॉस का यूज कर सकते हैं। तो अब हम डालेंगे इस पर टमाटो सॉस, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, पर इसको ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही इसमें डालना है। और ये देखिए, हमने दोनों बर्गर पे अच्छे से लगा लिया टमाटो सॉस। और अब हम डालेंगे इस पर कैबिज के पत्ते, इसको हमने बीच से कट कर लिया है क्योंकि एक कटोरी का शेप बन जा रहा था इसीलिए। और अब हम डालेंगे इस पर 1 टिक्की आलू की टिक्की, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। आप कहीं पर भी जाए बर्गर खाने तो उस पर आलू की टिक्की जरूर रहता है। तो हमने इस पर डाला है चीज़ स्लाइस, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है।
और अब हम डालेंगे दो स्लाइस टमाटर की। तो हमने इस पे दोनों पे दो दो स्लाइस रखेंगे टमाटर की, और अब हम इस पे रखेंगे दो तीन स्लाइस प्याज की, और अब हम थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, घर का चाट मसाला है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और अब हम इसी के साथ में डालेंगे टमाटो सॉस। टमाटो सॉस भी बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, क्योंकि हमने पहले भी टमाटो सॉस का यूज़ किया है, अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो सिर्फ इसी का टेस्ट आएगा। तो अब हम इसी के साथ में डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, और धनिया पत्ता भी हम थोड़ा सा ही डालेंगे। और ये देखिए, ये बर्गर का ऊपर का हिस्सा है, तो उस पर भी हम मेयोनीज लगा लेंगे। आप चाहे तो इसके जगह पे टमाटो सॉस का भी यूज कर सकते हैं। और अब हम इस पर लगाएंगे धनिया पत्ता की चटनी। तो इसमें हमने नमक तेल भी डाला है, और इसको हमने दरदरा पीसा है। ऐसे ही करके हम दूसरे बर्गर को भी तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे मार्केट में बनता है ना बर्गर, वैसे ही बना है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि हम कोई सा भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।